गिरफ्तारी हुई है और ईडी के डिपार्टमेंट के द्वारा ही कार्रवाई की गई। हालांकि गिरफ्तारी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पूर्व में इनका बचाव किया, खुद आकर के मीडिया के सामने बैठे और दुहाई दी गई ईमानदारी की, लेकिन उस समय पंजाब के चुनाव होने के नाते कहीं ना कहीं वो भी एक जांच का विषय है किस तरह से शायद केंद्र सरकार या दूसरी एजेंसियों को जिस तरह से मैनेज करके कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी टाली गई, दबाव बनाया गया। लेकिन आज जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की, मैं कहना चाहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सत्येंद्र जैन को लेकर तमाम जानकारियाँ थी, सबूत थे। जर्नल लोग भी जानते थे कि सत्येंद्र जैन किस तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए पैसा उगाही का काम करते हैं, उस काले पैसे को सफ़ेद करने का काम करते हैं। ज़मीन खरीदने का मसला हो या किसी धंधे में लगाने का मसला हो, इतने गंभीर आरोप लगने होने के बावजूद आप स्वास्थ्य मंत्री, एक विफल स्वास्थ्य मंत्री जो कोविड काल में पूरी तरह से विफल पाया गया, उसको लगातार मंत्री पद पर रखते हैं। तो स्वाभाविक है अरविंद केजरीवाल की जानकारी में सारे मसले हैं, पैसे का लेन देन है। आज ईडी ने कार्रवाई की है तो भ्रष्टाचार के नाम पर जो राजनीति शुरू करने वाला जो व्यक्ति था, आज पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। लगभग 38 MLA पर गंभीर आरोप हैं, जेल जा चुके हैं भ्रष्टाचार से लेकर के महिला उत्पीड़न तक। तो ये एक और उदाहरण सत्येंद्र जैन, मैं पूर्व में कह चुका हूँ 80% MLA पे या तो FIR है या जेल की हवा खा चुके हैं। एक नाम और जुड़ गया है, अगला नाम शराब मंत्री मनीष सिसोदिया का होगा। जिस तरह से शराब माफिया को दिल्ली को सौंप दिया, बेच दिया, तो ये उदाहरण इस बात का कि ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई ने ये साबित कर दिया कि देर है अंधेर नहीं, सच सामने जरूर आएगा। और भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ाई लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल आज पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं।